नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि UAPA एक्ट जो है उसमें जो बिल का क्या कोई प्रावधान है या उसमें किस हिसाब से बेल मिलती है। दोस्तों बिफोर आई बिगेन विद माय वीडियो ब्लॉग, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कानून है इसका पूरा कानून का साइटेशन क्या है। कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये कानून है। और इस कानून में अगर आप देखें तो अभी तक जो है 1969, उसके बाद में जो है 1972, 1986, 2004, उसके बाद में 2008 और 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया जो कि सिक्स्थ अमेंडमेंट था इस कानून के अंदर। और उसके बाद में ये भी कहा गया कि नाउ इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड अंडर टेररिस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब इंडिविजुअल्स को भी इस कानून के थ्रू जो है फ्रेम किया जा सकता है। देश भर में CAA को लेके काफ़ी सारे एजिटेशंस हुए और ये जो कानून है ये बनाया गया है कि जो देश की जो संप्रभुता है, देश की जो अखंडता है, उसके खिलाफ जो भी लोग गलत काम करते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं उन लोगों को इसके तहत जो है बुक किया जा सकता है। अब ये जो कानून है दोस्तों, इस कानून में ऐसा है कि UAPA एक्ट में 2019 के अमेंडमेंट के बाद में अगर आप देखें तो आप ये समझेंगे कि UAPA एक्ट में जो है बेल का प्रोविज़न नहीं है। सरकार आपको तब तक चाहे तब तक आपको डिटेन कर सकती है। दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर कफील खान का भी मसला देखा और आपने देखा कि कफील खान हैड टू रिमेन इन जेल फॉर क्लोज टू सिक्स मंथ्स इन सो, और उसके बाद में जो है उनको बेल मिली। और उनको जो बेल मिली वो बेल मिली उनको हाई कोर्ट से। अभी हाल फिलहाल में जो है उमर खालिद को भी जो है दिल्ली पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत बंद किया है। तो अब मैं आपको बात करता हूं कि क्या इस मुकदमे में UAPA में जिन लोगों को बुक किया जाता है उन लोगों को बेल मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस कानून के तहत जो है ये अश्योर किया जाता है कि जो लोग इस तरह के अपराधों में यानी कि देश की अखंडता और जो एकता को जो तोड़ने का काम करते हैं या सरकार के खिलाफ जो है प्लानिंग करते हैं उन लोगों को जो है इस कानून के तहत बुक किया जाता है और इसमें बेल का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि बेल नहीं मिलेगी। आपने दो मुकदमे देखे थे अभी हाल फिलहाल में, एक था सफूरा जरगर का मुकदमा जिसमें जो है उनको नीचे वाले कोर्ट्स यानी कि मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट ने बेल की उनकी दरख्वास्त को नकार दिया। आपने देखा डॉक्टर कफील खान का मसला, डॉक्टर कफील खान को भी नीचे के कोर्ट्स ने कोई बेल नहीं दी एंड ही हैड टू नॉक द डोर फॉर हाई कोर्ट टू गेट अ बेल फॉर हिमसेल्फ। आपने सफूरा जरगर के मुकदमे में देखा कि उनको जो है बेल मिली पर्सनल ग्राउंड्स पे। डॉक्टर कफील खान के मुकदमे में आपने देखा कि ही गॉट द बेल फ्रॉम हाई कोर्ट और ये उनको मिली हेबियस कॉर्पस के थ्रू। तो ये तो सही बात है कि ये जो मुकदमा है UAPA का इसमें बेल का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जो है अगर आपके खिलाफ UAPA है यानी कि उमर खालिद के खिलाफ अभी UAPA लगाया गया है सो ही कैन अप्रोच दी हाई कोर्ट इन हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का तरीका उनके पास है, ही कैन गो टू हाई कोर्ट, ही कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट सीकिंग सम रिलीफ फॉर हिम। पर जहाँ तक UAPA एक्ट में बेल की बात है इसमें बेल का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग। आई होप आई वॉज एबल टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर यू। इन केस इफ आई एम एबल टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर यू, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको अलर्ट्स मिलें। मेरे वीडियो ब्लॉग्स पे आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और आप मुझे बताएं भी थ्रू कमेंट्स इन केस इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक फॉर यू। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।